अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान रसो और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़ारा कत्ल केस के अंदर अहम पेशरफ जो है वो सामने आ चुकी है। बड़ी पेशरफ जो है वो क्या हुई है, आज की डिटेल्स में आपको सारी शेयर करेंगे। अदालत में जो है वो तमाम गिरफ्तार जो मुलजमान है इन्हें अदालत में पेश किया गया, जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। चार मुलजमान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो मुलजमान है इन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, क्योंकि इसमें दो मर्द जो है वो शामिल है इस पूरी साजिश में, इस कत्ल की घिनौनी वारदात में जो है वो चार मुलजमान हैं जिनमें दो खवातीन और दो मर्द जो इसमें शामिल हैं। इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमें लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़िर, कत्ल की लज्जा खेज वारदात जो है वो सियालकोट के इलाका चक्का में पेश आई। चक्का में जो है वो चार साल कबल सारा वहीद से जो है वो शादी हुई थी और उसके शौहर है मकतूला का शौहर सऊदी अरब में जो है मुकीम है और वहां पर वो मुलाजमत करता है। और अफसोस, यकीन करें कि जो लोग ये कहते हैं, अक्सर लोग जहाँ रिश्ता करते हैं ना या शादी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने अपने रिश्तेदारों में करना है, बाहर शादी नहीं करनी, क्योंकि बाहर के लोगों पे एतमाद नहीं होता है, बाहर के लोग जो है वो तो पराये होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाकया जो पेश आया है इसमें कोई पराया बंदा शामिल नहीं, बल्कि अपनी ही खाला, सगी खाला, सगी खाला और अपनी कजन यानी जो नंदे थी और सास नंदों ने अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर जो है वो बड़ी ही बेदर्दी के साथ जारा को जो है वो कत्ल किया है। और इनके जो वालिद हैं, मकतूला के वालिद ने भी कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर की हमारे साथ, जो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं कि मकतूला के वालिद का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आज की जो कार्रवाई है जिसमें अहम पेशरफ्त है उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। पुलिस ने मजीद, क्योंकि अभी कुछ यूं हुआ है कि ये जो सफाक सास है, सफाक ये जो सास सोहरा नामी ये खातून है और इसकी जो मकतूला की नंद थी उसका नाम यास्मीन है। और इसमें दो मजीद मुलजमान, इसमें पहले गिरफ्तार किया गया अब्दुल्ला नामी शख्स को, अब्दुल्ला के साथ जो नंद थी इसके साथ जो शख्स शामिल था जिसने ये मशवरा दिया था पूरे कत्ल का, उसका नाम नवीद है। तो ये चार मुलजमान हो गए, चार मुलजमान जो है किया गया है। अब मामला ये है कि इस में टुकड़े कर इस औरत को आप देखें, इस औरत की हैवानियत देखें, इस औरत की हसद देखें कि इसने एक मासूम जान को, मतलब एक आप सोचें कि एक लड़की पे जुल्म कर, खुद औरत होके, औरत होके तो आप ये सोचें कि इसने औरत पर जुल्म किया, इसने उसका जो सर है वो मतलब ये मुझे यकीन करें बहुत अफसोसनाक वाकया है कि चूल्हे में जला दिया इस सफाक औरत ने, टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े करके और उन्हें मुख्तलिफ जगह पर जो है इन लोगों ने, ये चार लोग इस कत्ल की वारदात में शामिल थे जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में वो टुकड़े जो है वो वहां पर छुपा दिए। अब पुलिस क्या कर रही है कि पुलिस ये तमाम जो जो बाकियात हैं उसे जमा करने के लिए मुलजमान का रिमांड ले रही है और इनसे जो है वो रिमांड लिया जाएगा, तफ्तीश की जाएगी, आलाए कत्ल जो है वो बरामद करना है। आलाए कत्ल के लिए ये रिमांड जो है वो लिया गया है और मजीद इस सारी इन्वेस्टिगेशन में जो इंकशाफात हुए हैं वो दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं, जिसमें ये जो सोहरा है, सोहरा क्या कहती है जी, सोहरा कहती है कि मेरी जो बहू थी मुझे इस बात का राज था। एक इसके ऊपर भी हम तफसीली डिटेल में कुछ बात करेंगे कि वो क्या, उसने ये इल्जाम वगैरह लगाया है मकतूला पे कि जी वो जादू और टोने करती थी और मेरे बेटे को उसने उससे छीन लिया था। ये जो कहानी है ना, ये हर घर की कहानी है, जिससे पूछो वो यही कहता है जी कि किसी ने मेरी मेरा बेटा छीन लिया है, तो किसी ने कोई कहता है जी ये इसके ऊपर भी बात करनी है। मकतूला के वालिद, मकतूला के वालिद ASI हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि मुझे जैसी मैं 15 रोज कबल जो है वो सऊदी अरब से जारा जो मकतूला है वो यहाँ आई थी और कुछ दिन हमारे पास रहने के बाद मैंने छोड़ आया उनकी सास के घर, और करीबी ये लोग रिश्तेदार हैं, तो सास के घर छोड़ने के बाद वहां पे मकतूला के वालिद ने देखा कि वहां पर शफी जो है वो मौजूद है जो कि मकतूला का छोटा बच्चा था। इस पर जो है वो काफी परेशानी मजीद हुई, क्योंकि जाहिर से पुलिस ऑफिसर थे तो उन्हें शक हो गया कि ये कुछ मामला जो है वो काफी खतरनाक है, ये बच्चा तो यहां पर मौजूद है और अगर मां जाती तो बच्चे को साथ लेकर जाती। फौरी तौर पर जो है वो 15 पे पुलिस से रब्ता किया गया, पुलिस को इतला दी गई, मुकदमा दर्ज किया गया, अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ और ये जो सास है और नंद इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश जो है
वो पता चला कि ये जो सास है, ये सफाक औरत जो है, इसने सिर्फ हसद की वजह से अपनी ही जो आप ये सोचे कि अपनी भांजी को, मतलब अपनी भांजी को किस बेदर्दी के साथ जो है, यानी कि बहन की बेटी, यार बहन की बेटी, एक लम्हे के लिए सोचे अपनी सगी भांजी को बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है क्यों कर रहा है, क्योंकि सिर्फ उसका कसूर यह था जो अपने शौहर से शौहर है वो अपनी बीवी से। मैंने आपको शुरू में आगाज में कहा था कि इस पर तफसीली बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो चुका है, बिगाड़ क्यों पैदा हुआ है कि हमारे यहाँ हमारी जो माए हैं, हमारे माफ कीजिएगा निहायत मुआजरत के साथ, जो सच है मैं तो वो सच आपके साथ शेयर कर, हम असल हमारे इस वक्त जो मुआशरे का सच है, हसद हो चुकी है, हम जालिम हो चुके हैं, हम सफाक हैं कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपको मैं उन माओं से मुखातिब हूं, मैं उन माओं से मुखातिब हूं जो अगर आपको आपका बेटा है या आपकी बेटी है, अगर आपको इतनी प्यारी है ना कि आप उसके बगैर नहीं रह सकती, तो फिर भाई मेहरबानी करें, आप उसकी शादी ना करें, ये फिर आप दूसरों की जिंदगी मत खराब करें। हमारे यहां होता क्या है कि हमारे यहां यह होता है कि अगर बेटा है वो अपनी बेबी के पास बैठता है, उसको टाइम देता है, उसकी केयर करता है, उसकी आवभगत करता है, तो उसके बाकी घर वालों को क्या लगता है कि यार ये तो हमने हमसे छीन लिया, हमारी ये जो बहू आई है ना हमारी, ये तो हम पे जादू करती है, इसने तो कुछ ऐसा पिलाया है या ऐसा कुछ किया है कि वो तो भाई हमारी सुनता ही नहीं है, वो तो हमारे साथ बात ही नहीं करता, ऐसा पहले थोड़ी था, ये तो अब हुआ है, ऐसा पहले कैसे कर सकता था, ये तो किसी कोई काला जादू करती है जिससे जो है ना वो हमारे बेटे को छीन लेती है। यही अफसुर्दा और गलत सोच और जहालत, मैं यहाँ पर जहालत, जहालत जो है ना ये हमारे दिल में मौजूद है, जो हमारे अंदर हमें छीनता है, कोई किसी को नहीं छीनता। सर आप जब शादी कर लेते हैं ना, देखें आपने अपनी अपने बेटे की जब किसी लड़की से शादी कर दी, तो फिर उस लड़की का सबसे पहले उसकी जिंदगी के ऊपर हक है, उसके पैसों पे हक है, उसके खाने पीने, उसकी सारी जरूरियात पूरी किसने करनी है, आपके बेटे ने करनी है। अच्छा अब यहां पर दूसरी तरफ चलें, दूसरी तरफ रुक करें तो क्या है कि अगर आपकी बेटी जिसको आप ब्याहते हैं वो अपने शौहर के साथ ज्यादा अटैच है, अपने शौहर के साथ रहती है, अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती, उसका शौहर उसके बगैर नहीं रह सकता, तो क्या होता है, ये जो हमारा दामाद है ना, ये जो हमारा बहनोई है, ये बड़ा जालिम है, हमारी बेटी पे इसने कब्जा कर रखा है, और ऐसा कब्जा कर लिया है कि वो हमें हमारे में मिलने ही नहीं देता, वो हमसे अलग करना चाहता है, हमसे जुदा करना चाहता है, हमसे दूर रखना चाहता है, हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये है जहालत, ये है सबसे बड़ी जहालत जो इस वक्त हमारे मुआशरे में मौजूद है, और इस जहालत को खत्म होना है, इस जहालत को तब्दील होना है, इस हमने अपने कल्चर को चेंज करना है। ये जो चंद जाहिल औरतें हैं ना, इनको जो है वो सबक सिखाने की जरूरत है, आप सबने मिलकर सबक सिखाना है, क्यों, ताकि जारा जैसा केस दोबारा ना हो। यहां पर जो आप मेरे आप एक लम्हे के लिए सोचें, उस बिचारी का क्या कसूर था कि उसका सर जो है वो चूल्हे में जलाया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए, उसके उसके अजा के टुकड़े कर दिए गए, जुल्म और बर्बरियत कहां होती है, जिसको हम कह रहे हैं हमारा मुआशरा, यार इस हम कह मेरी बात सुने, कहीं नहीं होता ऐसा जो हमारे यहां हो रहा है, कहीं नहीं होता ऐसा। हर बंदे को जीने का हक है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जैसे मर्जी जिए। अगर आपका बेटा आपको लिफ्ट नहीं कराता, अगर आपका बेटा आपके पास नहीं आके बैठता, वो अपनी बीवी को टाइम देता, तो भाई आप उसको उसकी बीवी को मार देंगे, आप उसके बच्चों को मार देंगे। आपने शादी कर दी, सबसे पहले अब उसकी उसका जो उसके ऊपर हक है उसकी बीवी का हक है। इसी तरह अगर बेटी की शादी की तो उसके ऊपर उसका सबसे पहले उसके खामन का हक है। अब आपका हक नहीं रहा, आपका बिल्कुल भी हक नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं ना, मैं समझता हूं कि पुलिस ये जो चार मुल्जमान गिरफ्तार हुए ना, इन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दे कि रूह कांप उठे ऐसे लोगों की, जो ये लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं। तो नाज़रीन वीडियो से मुतालिक जो है वो अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो मजीद लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज लेटेस्ट न्यूज जो है वो आपको इसी तरह से मिलती रहे, और मैं आप तक जो है वो इसी तरह से खबरें पहुंचाता रहूं। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया।